मैं आपका दोस्त मैडी आज आपके लिए एक्सेल की 5 ऐसी ट्रिक्स लेके आया जो आपका समय बचाएगा और कुछ नया भी सिखाएगा। दोस्तों तो हम पहले ट्रिक्स पे काम करते हैं। हमारे को जो चार्ट दिया हुआ है इसमें स्कूल का नाम दिया हुआ है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका हमको सम करना है। अगर हम इनका स्कूल का वन बाय वन सम करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसका इस स्कूल का सम करता हूँ कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं तो मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे पास 235 स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय में। बट अगर मैं इसका वन बाय वन करने जाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी पहले ट्रिक्स का यूज करके इसको आसान बनाएंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। बी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम गो टू स्पेशल में जाएंगे। गो टू स्पेशल में जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच एफ डी एस, ठीक है। तो हम इसमें कॉन्स्टेंट का सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे और एक रो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे को क्या होगा, हर विद्यालय के नीचे एक इंसर्ट रो मिल जाएगी। अब हमको डी कॉलम को सिलेक्ट करना है और डी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमको गो टू स्पेशल में जाना है, ठीक है। इस बार गो टू स्पेशल में जाने के लिए हम शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे, इस बार हम मैनुअली जाएंगे। मैनुअली जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या नाम है, होम में जाना पड़ेगा, फिर फाइंड एंड सिलेक्ट में जाना पड़ेगा। फाइंड एंड सिलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल में जाके हमको सबसे पहले ब्लैंक सिलेक्ट करना है। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाना है, उसके बाद हमको ऑल्ट इक्वल टू दबाना है। तो अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास सब स्कूलों का सम आ गया कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है, ऐसी सिचुएशन में हम इस ट्रिक का यूज करके अपना समय बचाएंगे। और मैं आपको एक बार दोबारा से गो टू स्पेशल का शॉर्टकट की बता देता हूँ, Alt plus H plus FD plus S। अब हम दूसरी ट्रिक पे काम करेंगे। दूसरी ट्रिक में हमको सपोज करो एक से लेकर 50 रो सिलेक्ट करनी है। कॉलम हम J तक ले लेते हैं, ठीक है। तो J तक अगर हम कॉलम लेते हैं तो हमको मैनुअली कैसे करना पड़ेगा, 100 तक ऐसे करके मैनुअली जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 100 खत्म होता है, ठीक है। इसको हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। मगर अगर हम सेकंड ट्रिक का यूज करके से और आसान बना दें तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सारा का सारा डिलीट मार देते हैं, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले हम कंट्रोल जी दबाएंगे, गो टू में जाएंगे, उसके बाद हमको जो कॉलम चाहिए वो कहाँ तक चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं। कॉलम हम जे तक सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमको कितना रो चाहिए थी, हमको 100 रो चाहिए थी। हम इसको सेव दबा के ओके दबाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे नीचे जाके तो हमको 100 रो मिलेंगे एग्जैक्ट। ये हमारी दूसरी ट्रिक है जिससे हम अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम तीसरी ट्रिक पे हम काम करेंगे। तीसरी ट्रिक में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट के नीचे एक नोट लगाया हुआ है हमने जो कि हमारे डी कॉलम से भी बाहर जा रहा है। इसको अपने कॉलम के अंडर लाने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है। पहली ट्रिक तो हमारे पास जो है वो ये है कि हम यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको मर्ज करें और मर्ज के बाद इसको रैप टैक्स करें, ठीक है। मगर अगर हम इसको जब हम एक कॉलम को बड़ा करेंगे तो साथ के साथ ये भी बड़ा होता जाएगा जो कि दिखने में भी खराब होता जाएगा, ठीक है। बट हम अपनी तीसरी ट्रिक का यूज करके इसको और आसान बनाएंगे। सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है डी तक, उसके बाद हम जाएंगे फिल में, इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसको जस्टिफाई करने के बाद ये अगर आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली डी के अंडर आ गया है, नीचे आ चुका है, ठीक है। और अगर हम आप ए कॉलम को इसको बड़ा करेंगे, बी कॉलम को भी बड़ा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो साइज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ये एज इट इज वैसा का वैसा है, ठीक है। और इसको हम एक अच्छा करने के लिए और करेंगे, विच इज ऑलरेडी डन। हम व्यू में जाएंगे और ये ग्रिड को, ये जो हटाया हुआ था ये लेके आते हैं तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों अब हम चौथी ट्रिक पे चलते हैं। चौथी ट्रिक हमारी जो है इसमें हमारे को नंबर हाइड करने वाले नंबर्स ट्रिक है। अगर आप देखोगे तो कई बार जो हम गूगल पे करते हैं, गूगल पे भी हमारे पास नंबर हमेशा हाइड होके आता है, तो वो भी इसी फॉर्मूले के थ्रू हाइड किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हाइड करना है। इसको हम फॉर्मूले को डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इज इक्वल टू,
सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट सिलेक्ट। लेफ्ट के हमको कितने सिलेक्ट करने हैं वो अभी देख लेते हैं। सेल हमने सिलेक्ट किया, कॉमा, हमको तीन तीन अंक हमको इसके दिखाने हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अभी हमको हाइड क्या करने हैं, हाइड करने हैं हमको तीन, 1 2 3, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड राइट RIGHT ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सिलेक्ट किया हमने सेल, कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज। अभी हम देखेंगे कि हमारे तीन स्टार्टिंग के नंबर दिख रहे हैं और तीन लास्ट के नंबर दिख रहे हैं और बीच के जो तीन जो है हाइड किए हुए हैं। हाइड करने से मतलब ये है कि हम अपना किसी को भी हाइड करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा नंबर है, उसको पता नहीं चलेगा। ये हमारी चौथी ट्रिक थी दोस्तों। अब हम पांचवी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। पांचवी ट्रिक में अगर आप देखोगे तो 1 to 10 काउंट है। 1 to 10 काउंट तीन रो में हमने, तीन कॉलम में हम दिखाए हुए हैं, तीनों में अलग अलग है। फर्स्ट में हम देखोगे तो अब हमारा फॉर्मूला लग के हमने काउंट किया हुआ है, सेकेंड में हमने 1+ करके हमने काउंट किया हुआ है और थर्ड में हमने नॉर्मली 1 to 10 काउंट किया हुआ है। अभी अगर हम इसमें से कोई से भी रैंडमली बीच में से एक सेल रो डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 1 to 9, ये तो जो फॉर्मूले से हमने किया था ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट जो दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो इसका जो काउंटिंग का रो वो है वही चेंज हो गया, काउंटिंग का फ्लो। इस वाले में तो आपका जो बीच वाला 8 नंबर है वही डिलीट हो गया। तो मेरा सजेशन यही है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ विच इज वेरी गुड फॉर काउंटिंग, इक्वल टू ROW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। फिर आप कितने नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करिए और कितने नंबर डिलीट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी पांचवी ट्रिक थी जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर द काउंटिंग नंबरिंग 1 to 10, 1 to 20, 1 to 100। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आज की 5 ट्रिक थी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।